Dodo TV. गुंजन आज बहुत एक्साइटेड थी, हो भी क्यों ना। वो गांव की पहली लड़की थी जिसकी दूसरे गांव में एक सरकारी बैंक में नौकरी लगी थी। माँ पापा बैंक के पास ही एक घर में उसे शिफ्ट कराकर अपने गांव लौट गए थे। बैंक में रिपोर्ट करके आने और घर जमाने में कब रात हो गई उसे पता ही नहीं चला। मैं पहले नहा लेती हूँ, फिर खाना खा के आराम करूंगी। ये आवाज कहाँ से आ रही है? रसोई में तो नल ही नहीं है, शायद बाथरूम से आ रही होगी। जब उसने बाथरूम का दरवाजा खोला तो देखा, ये आवाज बाथरूम से नहीं बल्कि बाथरूम के पीछे से आ रही है। जाकर देखूं क्या? वो अपने घर से बाहर निकलकर पीछे जाती है और वहां देखती है तो एक नदी दिखाई देती है और उसके किनारे एक औरत। वो उस औरत के पास जाने लगती है तो अचानक बहुत तेज बारिश होने लगती है और आंधी तूफान आने लगता है। वो लौट कर वापस आ जाती है, पर आवाज़ें बंद नहीं होती। उसे डर तो लगता है पर फिर उसे नींद लग जाती है। ये सिलसिला 4-5 दिन तक चलता रहा। गुंजन से जब नहीं रहा गया तो उसने अपने सहकर्मी शर्मा जी से पूछा, शर्मा जी आप यहाँ पर कितने दिनों से हैं? 2 साल से, बस 1 साल और फिर मैं ट्रांसफर ले लूंगा। अरे वाह, अच्छा आपने इस गांव में कुछ अजीब सा महसूस किया है क्या? मतलब? अरे मतलब आवाज या कोई घटना? आप वो रात की नदी की बात कर रही हैं क्या? हाँ, वो दिन में दिखाई नहीं देता पर रात में दिखता है। जब नई नई पोस्टिंग हुई थी तब गया था एक बार देखने। आज रात में आता हूँ, साथ में चलेंगे देखने। हाँ ठीक है। गुंजन रोज रात में आने वाली आवाजों से डरने लगी थी। उसने सोचा आज वो पता करके ही रहेगी। 10 बजे खा पी कर शर्मा जी आ गए गुंजन के दरवाजे पर। गुंजन भी इंतजार कर ही रही थी। दोनों नदी की तरफ चल दिए। आपने सुना? हाँ यार, हम वापस चलते हैं, मुझे डर लग रहा है। मैं तंग आ गई हूँ रोज रोज की आवाजों से, आज तो मुझे पता ही करना है। कल घर बदल लेना, मैं हेल्प कर दूंगा। अरे चलिए चुपचाप। वो लोग आगे बढ़ते हैं। नदी के पास उन्हें 6 औरतों का समूह घूमते हुए दिखता है। बड़ी हिम्मत करके गुंजन उनके पास जाकर पूछती है, क्या हुआ? आप सब इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हैं? मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया। क्यों? तुम्हें भी तुम्हारे पति ने घर से निकाल दिया क्या? नहीं, क्या आप सबको घर से निकाल दिया गया है? हाँ। क्यों? और आप सब यहाँ रो क्यों रही हो? अपने हक के लिए आपको लड़ना चाहिए। इस गांव के जो ठाकुर साहब है ना, उनके घर का रिवाज है कि उस घर की हर पीढ़ी की बड़ी बहू को शादी के 1 हफ्ते के अंदर मार दिया जाता है। ये कैसा रिवाज है? मार दिया जाता है मतलब? मैं तीसरी पीढ़ी की हूँ, ये मेरी सास है और ये मेरी सास की सास, ये मेरी बहू है और ये मेरी बहू की बहू और ये बहू की बहू की बहू। इतनी सारी पीढ़ियां एक साथ कैसे? हम सबको मार दिया ना।
ये कहते हुए इन सब के रूप बदल गए और देखते ही देखते वो सब हवा में तैरते हुए गुंजन के चारों तरफ घूमने लगी। अब तो शर्मा जी की सिट्टी बिट्टी वम हो गई और वो वहीं ढेर हो गए। डर तो बेचारी गुंजन भी रही थी, पर वो अभी भी मूर्छित होने की कगार पर नहीं पहुंची थी। तुम्हें पता है, शापित नदी हमारे आंसुओं से बनी है और इसे शाप मिला था कि जिस दिन कोई जिंदा लड़की इस नदी के करीब आकर हमसे बात करेगी, उस दिन हम सबको हमारे साथ हुए अन्याय का बदला लेने की शक्ति मिल जाएगी। गांव के लोगों को तो ये बातें पता थी, इसलिए कभी कोई नहीं आया, पर आज तुम आई हो। मैं मरना नहीं चाहती, अब आपको आपकी शक्ति मिल गई ना, अब मैं जाती हूँ। ऐसे कैसे जाती हूँ, जब तक हम सबको मुक्ति नहीं मिल जाती तब तक हमें रोज रात में प्रकट होना पड़ेगा। अब तुम हमारा प्रतिशोध पूरा कर कर ही मुक्ति पाओगी। मुझे क्या करना होगा, और उसके बाद आप लोग मुझे तो नहीं मार दोगे ना? तुम तो हम सब के लिए देवी बनकर आई हो, तुम्हें क्यों मारेंगे? तुम बस चल के ठाकुर का दरवाजा खुलवाओ, बाकी हम सब संभाल लेंगे। अब तक शर्मा जी को भी होश आ चुका था। अब गुंजन और शर्मा जी आगे आगे और वो आत्माएं उनके पीछे पीछे ठाकुर के घर की तरफ चल दिए। गुंजन ने ठाकुर का दरवाजा खटखटाया। कौन है इतनी रात में? ठाकुर साहब, मैं हूँ, दरवाजा खोलिए। ठाकुर ने दरवाजा खोला, हवा की तरह वो आत्माएं अंदर घुसकर यहाँ वहाँ तैरने लगी। कहाँ है हमारी सातने? ठाकुर साहब के परिवार के सब लोग जाग गए थे और हॉल में इकट्ठा हो चुके थे। आप सब कौन है और कहां से आ गई? हम अपनी अपनी पीढ़ी की बड़ी बहू है जो इस घर में मार दी गई। अब तुम सब मरोगे। इसी में पूरे खानदान की भलाई थी, अभी मेरे पोते की भी पहली बीवी आएगी, तो आप भी लोगों को संभालना है। अब पहले तुझे ही संभालते हैं ना। देखिए, हम जानते हैं कि ये बहुत गलत रिवाज है और मैं भी इसके खिलाफ हूँ। आपने दादाजी को तो मार दिया, पर अब कृपा करें हम पर और हम में से किसी को ना मारे प्लीज। पहली बार इस घर में किसी मर्द ने सही बात कही है। चलो, हम तुम लोगों को छोड़ देंगे, पर एक बात गांठ बांध लो कि अब इस घर में किसी बड़ी बहू की हत्या नहीं होगी। हम लोग आपसे वादा करते हैं। आज से वो रात की नदी नहीं दिखाई देगी लोगों को, लेकिन जिस दिन इस घर में इतिहास दोबारा दोहराया गया, हम उस दिन फिर वापस आएंगे। ये कहकर वो आत्माएं वही अंदर ध्यान हो गई। ऋषिकेश का मौसम क्या शानदार था यार। हाँ यार, लेकिन अब फिर से वही बोरिंग लाइफ। स्मृति, विकास, मैक और गर्वित 12 दिन बाद ऋषिकेश से लौट रहे हैं, लेकिन उनका शहर कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। यार कुछ अजीब लग रहा है ना? हाँ यार, पहले कितनी चहल पहल होती थी हमेशा, लेकिन आज वीरान पड़ा है। कुछ तो गड़बड़ है यार, घर तक जाने के लिए रिक्शा भी नहीं है। वो चारों पैदल ही घर के लिए निकल पड़े, लेकिन रास्ते पर नजारे देख दंग रह गए। ये मंजर तो ऐसा लग रहा है यहाँ कोई तूफान आया था। यार कुछ तो बहुत बुरा हुआ है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। चारों एक रास्ते से ही जा रहे थे, लेकिन उन्हें एक आदमी दिखा जो किसी से छुपने की कोशिश कर रहा था। कौन हो तुम लोग?
तुम टिकटॉकर तो नहीं? दूर हटो यहां से। अरे इसे क्या हो गया? ले भाई पानी पी ले। सब मरोगे, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, सब मरोगे। वो चारों उसे देखने के लिए दौड़ते हैं। ओ तेरी, ये क्या बला है? ये तो कुछ हॉलीवुड फिल्मों जैसा लग रहा है। ये तो हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, हमें कच्चा खा जाएंगे, भागो। वे चारों वहां से अपनी जान बचाकर भागे। ये पूरा इलाका ज़ॉम्बी बन चुका है, जिंदा लोग साउथ स्क्वायर लाइब्रेरी पहुंचे। हमारा शहर, ये क्या हो गया हमारे शहर को? वक्त कम है, जान बचानी है तो हमें जल्द से जल्द साउथ स्क्वायर लाइब्रेरी पहुंचना ही होगा। चारों जान बचाने की जुगत में वहां से भागने लगे। तभी गर्वित अपने मोबाइल पर टिकटॉक वीडियो बनाने लगा। हाय दोस्तों, मैं आया हूँ ज़ॉम्बियों के शहर में। क्या कर रहा है भाई? हमारी जान पर बनाई है, तुझे टिकटॉक बनानी क्यों पड़ी है साले? ये तू नहीं, तेरे अंदर की जेलसी बोल रही है। हे, आपस में लड़ना बंद करो और निकलो यहाँ से। वो लोग वहां से भागने ही वाले थे। गाइस, इसे देखो क्या हो रहा है। मुझे तो लगता है उस ज़ॉम्बी ने इसे इंफेक्टेड कर दिया है। दोस्तों, अगर इसे हम साथ में रखेंगे तो ये हमें भी कच्चा खा जाएगा। लेकिन इसे यहाँ तो छोड़ भी नहीं सकते, वरना ज़ॉम्बी इसे अपने जैसा बना देंगे। दोस्तों, मैं ठीक हूँ, मैं तुम लोगों को कच्चा चबा जाऊंगा। दोस्तों, गर्वित हमारा दोस्त है, इसे हम ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकते। मेरे टिकटॉकर दोस्तों, ये है ज़ॉम्बी चैलेंज। ये पूरा इलाका ज़ॉम्बी बन चुका है, जिंदा लोग साउथ स्क्वायर लाइब्रेरी पहुंचे। गाइस, तुम लोगों को रुकना है तो रुको, मैं तो चला यहां से, मैं तो जा रहा हूं। मैक निकलने ही वाला था कि पीछे से, दोस्तों भागो यहां से। ज़ॉम्बियों ने गर्वित को घेर लिया और मैक, विकास और स्मृति अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। हम दोनों बचपन से साथ थे, मेरा दोस्त, मेरा भाई। विकास, अभी संभालो खुद को, पहले सेफ प्लेस पर पहुंचते हैं, फिर सोचेंगे गर्वित को कैसे बचाना है। एक मिनट, तुम दोनों में से कोई टिकटॉक तो यूज नहीं करता? नहीं, नहीं लेकिन टिकटॉक। हाँ टिकटॉक, याद करो आदमी क्या बोल रहा था। तुम टिकटॉकर तो नहीं? और फिर अपना गर्वित भी तो टिकटॉक और उन ज़ॉम्बियों को नहीं देखा, कैसे मोबाइल पर टिकटॉक बना रहे थे। हाय, मैं फनी लियोनी और मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं तो कह रहा हूँ ये सब टिकटॉक का असर है। कुछ भी हो, बस एक ही तरीका है, साउथ स्क्वायर की लाइब्रेरी पहुँचना। उन तीनों ने साउथ स्क्वायर लाइब्रेरी की ओर बढ़ना शुरू किया। रात हो गई थी। कुछ दूर उन्हें एक बड़ा सा घर दिखा। शायद हमें कोई मदद मिल जाए वहां। मदद नहीं तो रात गुजारने का इंतजाम तो हो ही जाएगा। तीनों उस घर के अंदर गए। घर खाली पड़ा था, लेकिन बेड पर एक मोबाइल पड़ा था। आज रात यहाँ गुजार कर सुबह सूरज निकलने से पहले हम यहाँ से निकल जाएंगे। सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लो और कोई सोएगा नहीं, रात भर पहरा देंगे। तीनों पहरा देने लगते हैं और कुछ समय गुजरने के बाद विकास की नजर उस भयानक ज़ॉम्बी पर पड़ी। मैक, उठ जा। मैक, उठ भाई। मैक जैसे ही जागा, सामने ज़ॉम्बी को देखकर डर गया और ज़ॉम्बी मैक को पकड़कर गर्दन पर काटने की कोशिश करता है। तभी पीछे से स्मृति ने एक लकड़ी से ज़ॉम्बी पर वार किया। ज़ॉम्बी जमीन पर गिर गया, सर फट गया और मर गया।
दोस्तों, हम इस घर में सेफ नहीं हैं। यहाँ से भागना होगा, जल्दी निकलो यहाँ से। तीनों उस घर से बाहर निकलकर भागना शुरू करते हैं। रात का अंधेरा होने की वजह से तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर साउथ स्क्वायर लाइब्रेरी की दिशा में बढ़ रहे थे। तभी अचानक मैक को अपने बगल में कुछ महसूस हुआ। विकास, डरा मत यार, हाथ हटा। अरे कौन सा हाथ, मैं कुछ नहीं कर रहा। मैक ने अंधेरे में गौर से देखा। तीनों ने भागना शुरू किया और ज़ॉम्बी उनके पीछे। काफी दूर भागते भागते तीनों थक गए। और कितना दूर है यार, ज़ॉम्बियों से बचेंगे तो चल चल कर मर जाएंगे। अरे टेंशन मत लो, 9 मिनट का रास्ता है। तीनों कुछ देर और चलने के बाद, दोस्तों वो देखो सामने कुछ लाइट्स दिखाई दे रही हैं, शायद हम पहुंच गए। तीनों लाइट्स तक पहुंच गए और वो वही लाइब्रेरी थी। तीनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोस्तों हम बच गए, आखिरकार मंजिल पर पहुंच ही गए। चलो अंदर देखते हैं क्या है। तीनों उस लाइब्रेरी के अंदर जाने लगे। बहुत खुश थे तीनों। चलते चलते एक बड़ा सा हॉल मिला और उस हॉल में कई सारे लोग। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मन्नत। और मैं वैजू। तुम सभी जिंदा लोगों का टिकटॉक की कायनात में इस्तकबाल है। इन ज़ॉम्बीज़ की साजिश है। इसी तरह की आवाजें साउथ स्क्वायर लाइब्रेरीज़ में गूंजने लगी। तभी माइक पर आवाज गूंजी। दोस्तों, क्या आप अपनी बोरिंग लाइफ से बोर नहीं हुए? हम आपको मौका दे रहे हैं अपनी जिंदगी को एक्साइटिंग बनाने का। ध्यान से देखिए, आपके पास जो ज़ॉम्बीज़ आए हुए हैं वो बस आपको ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म करेंगे और उसके बाद हम सब मिलकर टिकटॉक बनाएंगे और पूरी दुनिया में घूम घूम कर हर इंसान को ज़ॉम्बी बना देंगे और फिर पूरी दुनिया हमारी हो जाएगी। तभी एक ज़ॉम्बी ने आकर पीछे से वहां भीड़ में खड़े एक डॉक्टर पर अटैक किया। डॉक्टर के साथ खड़े एक आदमी ने जल्दी से अपनी जेब से लाइटर निकाला और चलाकर ज़ॉम्बी की तरफ फेंका, जिससे डर कर ज़ॉम्बी पीछे हट गया। अरे यार, मुझे अभी याद आया, ज़ॉम्बीज़ तो आग से डरते हैं। और हाँ, अगर हमें इनसे जीतना है तो हमें इनके ब्रेन पर अटैक करना होगा। हाँ, और इन्हें एनेस्थेसिया ज्यादा मात्रा में देकर हम बेहोश भी कर सकते हैं। वो सब तो ठीक है, पर अभी हम क्या करें? तभी एक ज़ॉम्बी आकर भीड़ में खड़े एक इंसान को पीछे से पकड़कर गर्दन पर काट लेता है और देखते ही देखते वो आदमी ज़ॉम्बी बनने लगता है। उसके बाद दूसरे ज़ॉम्बीज़ भी दूसरे लोगों पर हमला करने की कोशिश करने लगते हैं। और कुछ ज़ॉम्बीज़ मोबाइल पर इस सीन का टिकटॉक बनाने लगते हैं। भाई और बहनों, आज आप सभी को टिकटॉक की दुनिया में नेक्स्ट लेवल पर लेकर चलते हैं। आज आपको सब लाइव दिखाते हैं जो आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा। तभी टिकटॉक की दुनिया के फेमस स्टार्स मन्नत और बैजू ने माइक पर बोलना स्टार्ट किया। क्या बेहतरीन नजारा है, देखकर ऐसा लग रहा है मानो मैं कोई एंटरटेनमेंट चैनल देख रही हूँ। हमारे ज़ॉम्बी दोस्तों, आपको टिकटॉक वीडियो बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब तो लाइव चल रहा है टिकटॉक पर। पूरी दुनिया अभी ज़ॉम्बीज के कारनामे देख रही है। देखो हमारे व्यूज कितने तेजी से बढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों, लगे रहो। और इधर लोगों की और ज़ॉम्बीज के बीच मानो घमासान चल रहा हो। कभी ज़ॉम्बीज अटैक करने की कोशिश करते हैं तो कभी लोग मोटी मोटी बुक से ज़ॉम्बीज के सर पर दे मारते हैं। एक लड़की ने तो अपने गले से लिपटा हुआ स्कार्फ निकालकर उसे लाइटर से चला के गोल गोल घुमाकर ज़ॉम्बीज को खुद से दूर रख रही थी।
लोग अपने अपने तरीके से ज़ॉम्बीज को अपने आसपास से दूर भगा रहे थे। यार ऐसे तो धीरे धीरे हम सब ज़ॉम्बी बन जाएंगे और ना चाहते हुए भी हम देश दुनिया के लिए परेशानी बन जाएंगे। हाँ भाई, लेकिन हम कर क्या सकते हैं, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। ये सब टिकटॉकर्स के कारण हो रहा है, पता नहीं उन्हें किस किस तरह के वीडियोस बनाने होते हैं। शहर के बाकी ज़ॉम्बीज भी धीरे धीरे लाइब्रेरीज पहुंच रहे थे और जिंदा लोग भी अनाउंसमेंट सुनकर लाइब्रेरी की तरफ जा रहे थे। इस तरह पूरा शहर साउथ स्क्वायर लाइब्रेरी में इकट्ठा हो गया था। उधर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरह के लाइव शो से टिकटॉक पर बहुत लोग एक्टिव हो गए। दूसरे शहर में रहने वाले लोग समझ रहे थे ये सब सिर्फ टिकटॉक पर व्यूज बढ़ाने के लिए हो रहा है। लोग मजे ले लेकर ज़ॉम्बीज वर्चुअल ह्यूमंस की फाइट देख रहे थे। साउथ स्क्वायर लाइब्रेरी मानो युद्ध का अखाड़ा बन गई थी, जहां मन्नत और बैजू कमेंटेटर थे और लाइव व्यूअर्स दर्शक। लाइब्रेरी में उपस्थित सभी लोग किसी चमत्कार के होने का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच विकास ने जेब से मोबाइल निकालकर एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनाया और जल्दी से उसे फेसबुक पर डाल दिया। जल्दी में वो कैप्शन में सिर्फ हेल्प लिख पाया था, तभी एक ज़ॉम्बी ने आकर उसे पीछे से पकड़कर उसकी गर्दन पर जोर से अपने दांत गड़ा दिए। अब विकास भी धीरे धीरे ज़ॉम्बी बनने लगा और मैक की तरफ बढ़ा। मैक भी उसकी तरफ बढ़ा, तभी मैक मत जाओ उसके पास, उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया है। ये क्या हो गया, पहले घर में हर विकास, तुम बचो नहीं तो तुम भी ज़ॉम्बी बन जाओगे। तभी भीड़ ने एक ज़ॉम्बी को बुक से मार मार कर पहले बेहोश कर दिया, फिर उनमें से ही एक व्यक्ति लाइटर से उस ज़ॉम्बी के कपड़े चलाने लगा। देखते देखते वो ज़ॉम्बी धू धू कर चलने लगा। उसे देख के बाकी ज़ॉम्बीज डरने लगे और पीछे हट गए। जब तक वो ज़ॉम्बी चलता रहा, तब तक सारे ज़ॉम्बीज चुपचाप इंसानों से दूर खड़े होकर चलते हुए ज़ॉम्बीज को देखते रहे। विकास के डाले हुए फेसबुक पोस्ट को देखकर दूसरे शहर के उसके एक दोस्त राजीव ने जाकर पुलिस में संपर्क किया। सर, ये मेरे दोस्त विकास ने डाला है फेसबुक पर। अरे देखा मैंने भी, ये पब्लिसिटी स्टंट है अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए। सर ऐसा होता तो फेसबुक पर क्यों डालता। अरे जाओ तुम यहां से, आजकल सोशल मीडिया पर इतना कुछ होने लगा है, क्या सच क्या झूठ समझ नहीं आता। सर उसको मैंने कॉल किया तो लगा उधर से किसी ज़ॉम्बी ने फोन उठाया। टिकटॉक पर जो लाइव शो चल रहा है उसमें कहीं सच में तो लोग ज़ॉम्बी नहीं बन रहे। हाँ बाकी पुलिस देख लेगी, तुम जाओ। सर उस वीडियो में पुलिस वाले भी तो उसी लाइब्रेरी में नजर आ रहे हैं। लगता है पूरा शहर ज़ॉम्बीज की चपेट में आ गया है। आप एक बार वहां के पुलिस थाना में कॉल करके देखना। अरे भाई हमें हमारा काम आता है, ठीक है सर प्लीज। अच्छा रुको, ये फोन क्यों नहीं उठा रहा कोई। सर कुछ तो गड़बड़ है, जो लोग वहां पहुंचे हुए हैं उनकी जान बचानी चाहिए हमें। हे आजकल के नौजवान हीरो बनने का कोई मौका नहीं छोड़ते। रुको परमिशन लेने दो मुझे हायर अथॉरिटी से। पुलिस ने फोन पर बात करके अपने सीनियर से परमिशन ली और फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को कॉल करके अपने साथ ज़ॉम्बीज के शहर में चलने का ऑर्डर दिया। पुलिस की गाड़ी और फायर ब्रिगेड की गाड़ी उसी शहर की ओर बढ़ने लगी। लाइब्रेरी के अंदर का माहौल धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा था। जिंदा लोगों की संख्या कम होती जा रही थी और ज़ॉम्बीज का नंबर बढ़ता जा रहा था। राजीव भी पुलिस के साथ शहर की ओर बढ़ रहा था और बीच बीच में विकास को कॉल करने की कोशिश कर रहा था। लाइब्रेरी के अंदर का नजारा वो टिकटॉक पर ही देख रहे थे। रास्ते में जहां तहां एक्सीडेंटल गाड़ियां पड़ी हुई थी,
कुछ जगह इंसानों की लाश तो कुछ जगह ज़ॉम्बीज की बॉडी पड़ी थी। जब वो लोग साउथ स्क्वायर लाइब्रेरी में पहुंचे तो देखा बाहर दो ज़ॉम्बी दरवाजे पर खड़े होकर पहरा दे रहे हैं। जैसे ही ये लोग गाड़ी से उतरे वैसे ही ज़ॉम्बीज इनकी तरफ बढ़ने लगे। पुलिस ने पहले तो उन्हें अपने पास आने दिया और फिर अपने बंदूक के कुंदे से जोर से ज़ॉम्बी के सिर पर मारा। दूसरे पुलिस ने दूसरे ज़ॉम्बी को मारा। फिर पुलिस ने अपने माइक से अनाउंसमेंट करना शुरू किया। अब मैं गांव शहर से आपकी मदद के लिए आए हैं। आप घबराएं नहीं, आप सब कोशिश कीजिए, किसी तरह बात निकलेगी। जैसे ही लोगों ने यह सुना उनकी हिम्मत बढ़ी। अब तक ज़ॉम्बीज की संख्या इतनी बढ़ चुकी थी कि उनके बीच जिंदा लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था। जो लोग जिंदा बचे हुए थे वो इकट्ठा एक जगह पर होके लाइब्रेरी की बुक्स को चला चला कर ज़ॉम्बीज को दूर कर रहे थे। इस अनाउंसमेंट को सुनकर मन्नत और बैजू वहां से निकलकर भागने की कोशिश कर रहे थे, पर पुलिस की वजह से वो लोग भाग नहीं पाते। जिंदा लोग अपने अपने हाथों में चलती हुई बुक्स लेकर जैसे तैसे एक के पीछे लाइन बनाकर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और जैसे तैसे बाहर निकलने में वो सफल हो जाते हैं। सारे जिंदा लोगों के बाहर निकल जाने के बाद दमकल वाले और पुलिस वाले मिलकर उस लाइब्रेरी के बिल्डिंग पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा देते हैं। लाइब्रेरी में इतनी सारी बुक्स और पर्दे थे कि वो सब तेजी से आग पकड़ लेते हैं। मन्नत, बैजू और सारे ज़ॉम्बीज उस लाइब्रेरी में चल जाते हैं। बहुत ज्यादा बुक्स होने के कारण लाइब्रेरी की आग दो दिन तक नहीं बुझ पाती और ज़ॉम्बीज के डर के कारण कोई आग बुझाने नहीं गया। बाद में फायर ब्रिगेड वालों ने आग को बुझाया। सरकार ने लोगों की भलाई के लिए टिकटॉक कंप्लीट बैन कर दिया ताकि लोग सुरक्षित रहें और वीडियोस बनाने के दौरान और पब्लिसिटी पाने की होड़ में जो एक्सीडेंट्स होते हैं उन्हें रोका जा सके। एक महीने बाद स्मृति और मैक वापस अपने शहर लौट कर आते हैं और उसे वीरान देखकर बहुत दुखी होते हैं। बिल्डिंग्स तो वैसी ही हैं, पर लोग नजर नहीं आते। ये हमारा शहर, कितनी यादें जुड़ी यहाँ से। अब हमारी जिंदगी का एक ही मकसद है, इसे फिर से पहले जैसा बनाना है।